स्वयं स्वतंत्रता सेनानियों को लखनऊ में रुकने के लिए अभी तक सेवा सदन किराए पर लेकर चल रहा था, लेकिन राजनीतिक पेंशन विभाग की कैबिनेट मंत्री के प्रयासों से सेवा सदन का जीर्णोद्वार का लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लखनऊ के साथ मथुरा सेवा सदन का भी लोकार्पण किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। नंदी ने कहा कि यूपी की योगी सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में भी सोचती है, जिसके चलते सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि में भी इजाफा किया गया, जिसको 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 3 रुपए में रूम और 4 रुपए में भोजन किए जाने का प्रावधान है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों के लिए हमारी सरकार से और मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार इस सरकार ने 5,000 रुपये इकट्ठे बढ़ा करके देने का काम किया। 20,000 रुपये सेनानियों को या उनके आश्रित को मिलता है, उनके लिए 3 रुपये में रूम और 4 रुपये में खाना। तो मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक और इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी के हाथ में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, तो उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर एक ऐसे कर्मयोगी के हाथ में दी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा यह उद्देश्य हमारा।